नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। हूँ अक्षय शुक्ला, आप देखा टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पीवीसी प्लास्टिक आधार कार्ड आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ, पीवीसी आधार कार्ड आपके एटीएम कार्ड की तरह होता है, ऐसे में पानी से ख़राब होने या टूटने का डर नहीं रहेगा। साथ ही इस कार्ड में कई नए सिक्योरिटी फीचर्स भी दिए गए हैं। आपको बता दूं कि पिछले साल तक पीवीसी कार्ड पर आधार का प्रिंट मान्य नहीं था, लेकिन अब सरकार ने लोगों की ज़रूरतों और सुविधा को देखते हुए पीवीसी कार्ड पर आधार का प्रिंट करना वैध कर दिया है। और अब खुद UIDAI ने यह सुविधा शुरू कर दी है। आप UIDAI की वेबसाइट से पीवीसी आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके एड्रेस पे आपका पीवीसी आधार कार्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लाइव दिखाते हैं कि कैसे आप अपना या अपने परिवार में किसी का पीवीसी आधार कार्ड कैसे आप मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, गूगल पे जाना है, UIDAI ये सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पे UIDAI.gov.in इस वेबसाइट पे चला जाना है आधार कार्ड की। इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट आधार का सबसे ऊपर, तो गेट आधार वाले सेक्शन में यहाँ पे नीचे आएंगे, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड के ऊपर। अभी तक हमारे वीडियो को अपने लाइक नहीं किया प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मजा आता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आएंगे आपके सामने, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि किस तरह का आपका ये आधार मिलेगा, इसमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं और ये कार्ड किस तरह का होगा, इसे बनवाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 50 रुपये इसका फीस है जो आपको देना पड़ेगा, इंक्लूड GST है ये। नीचे आएंगे यहाँ पे आप तीन तरह से मंगवा सकते हैं पीवीसी आधार कार्ड, अब या अपना आधार नंबर बता के, या फिर आपके पास विचुअल आईडी अगर कोई है तो वो, या फिर EID यानी इनरोलमेंट आईडी अगर आपके पास है तब भी आप पीवीसी आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम नया आधार कार्ड बनवाते हैं या आधार में अपडेट कराते हैं तो हमें आधार मिलता नहीं है, तो ऐसे में आप ये पीवीसी आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, जैसा कैप्चा लिखा है सेम इसी तरह डालना है। और नीचे आएंगे यहाँ पे, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है तो सेंड OTP करेंगे, अगर नहीं लिंक है तो माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पर टिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर इससे लिंक है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंड OTP कर देता हूँ, यहाँ टिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेंड OTP करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और वो OTP नीचे डालना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। नीचे आएंगे 6 डिजिट का जो OTP आता है वो यहाँ पे नीचे हम डाल देंगे, तो हमारा यहाँ पे OTP आ चुका है, OTP यहाँ पे हम डाल देते हैं फटाफट। तो वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखें, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे हम OTP डाल के टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रीड कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, उसके बाद में सबमिट पर फाइनली क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही आपके सामने जो है आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपका फोटो वगैरह, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस सब कुछ दिखा देगा। अब यहाँ पे पीवीसी कार्ड का एक यहाँ पे दिखा देगा कि इस तरह से आपका डेमो दिखा देगा कि इस तरह से आपको पीवीसी कार्ड मिलेगा। नीचे आएंगे यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और 50 रुपये का, जैसे मैं पहले बोला 50 रुपये के इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो जो स्पीड पोस्ट का चार्ज होता है वो देना पड़ता है, बाई स्पीड पोस्ट आपके घर पे आता है एड्रेस पे। तो यहाँ पे कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, UPI। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV वगैरह डाल के पेमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करता हूँ, तो जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI, पेटीएम, तो यहाँ पर पेटीएम से करता हूँ, पेटीएम का UPI नंबर डालता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। यहाँ से वेरीफाई करते ही यहाँ पे आपको वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पे वेरीफाइड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको बता दें यहाँ पे बैक बटन नहीं दबाना है पेमेंट होने तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी पेटीएम की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, सिंपली उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ आ चुका है देख सकते हो। अब पेटीएम हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेटीएम लॉगिन कर लेंगे अपना पिन डाल के, और यहाँ पे देखिए पॉपअप विंडो में यहाँ पे आ चुका है मैसेज कि आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट आई है, इसे हम भुगतान कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे हम अपना पेमेंट का पिन डालेंगे और कंफर्म कर देंगे, पेमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो पूरा लाइव,
अब पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब क्या करना है आपको दोबारा उसी पेज पे चले जाना है, आधार कार्ड वाली वेबसाइट पे मतलब। तो पेटीएम पे हम अभी थे, अब हम उस पेज पे चले जाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो अब ये ऑटोमेटिक बैक होगा, आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ देख सकते हो ये बैक हो चुका है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, हमारा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपको SRN नंबर मिल जाता है, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है PVC आधार कार्ड कहाँ पर पहुँचा है। डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करते इसे रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ देख सकते हो हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे SRN नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है। अगर PDF यहाँ पे प्रिंट करना चाहो तो ऐसे प्रिंट भी निकाल सकते हो, किसी को शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से आप PVC प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आपका आधार कार्ड नया प्रिंट होकर 7 से 10 दिन में बाई स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।